नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमए विद्या चैनल और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ रेणु भट्ट, आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस पावन दिन पर। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। और इस सत्र में यानी कि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और उनका लिए जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है, बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक है लर्निंग हाउ टू लर्न सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी एक्सपर्ट। आप हैं डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, हेड DESSNIE NCERT से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और आपको भी बहुत स्वागत, और हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, और मैम जैसा कि आपको पता चला डियर व्यूवर्स के हमारे साथ हैं, तो आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी सवाल आए फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800440559 पर, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in, और PM ई विद्या चैनल नंबर 9 पर आप हमें देख रहे हैं। और मैम, जब तक हमारे व्यूवर्स और लर्नर्स हमसे जुड़ते हैं, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और हम अपने पहले सभी देखने वालों को बता दें कि हम अपनी आज़ादी की 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, और हम सभी जानते हैं कि इस आज़ादी के लिए, सुकून भरी सांस के लिए हमारे पूर्वजों ने कई ऐसी शख्सियत रही, कई ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने सर्वस्व अपना त्याग दिया और अपना योगदान दिया इस आज़ादी के लिए। और मैम, हम आपकी तरफ रुख करेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में, आज के सत्र में आप हमारे बच्चों को क्या क्या बताने वाली हैं। बहुत अच्छा बताया आपने, और मैं ये बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि जो आज हम लोग देख रहे हैं या जिस तरह से हम लोग अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी स्वतंत्रता संग्राम में जिसमें बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कुछ को तो हम जानते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया और उस आंदोलन को कामयाब बनाने का प्रयास किया। इस आंदोलन को पढ़ने के लिए आपने देखा होगा बहुत समय लगा हमारी स्वतंत्रता संग्राम का, क्योंकि आप तो 75 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस विषय को पढ़ते हैं तो ये बहुत विस्तार रूप से हमारे सामने आता है, और इसको आपने खुद भी कक्षा 8 में पढ़ा है, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, और कक्षा 12 में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हर विषय जो है, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है उसकी उसको ज्यादा विस्तार रूप से चर्चा किया जाता है। और इसको पढ़ाते समय हमें आपकी रुचि बढ़ाने के लिए कई तरह के गतिविधियों को अपनाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी पेडागॉजिकल अप्रोचेस। हमारी नई शिक्षा नीति में भी फोकस किया है कि जो भी विषय हम पढ़ाएं उसमें हम आपकी भागीदारी चाहते हैं, आपका रुचि बढ़ाना चाहते हैं, और हमारा प्रयास ये रहता है कि इस विषय को आप और गहराई से पढ़िए और अन्य और तथ्यों को समावेश करके हर एक आंदोलन को गहराई से समझिए। इससे आपको पता चलेगा कि आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसका वो कितने समय तक चला, और कई लोगों को, कई लीडरशिप को थ्रो किया, कई ऐसे लोगों को आगे लाया जिन्होंने अपनी कुर्बानी। अब आपने जब पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे विषय आपको बहुत ध्यान से आपने पढ़ा होगा और जो आपके मन में एकदम से आ जाता है, जो मुख्य आंदोलन थे जो आप अपने किताबों में पढ़ रहे होंगे, वह थे एक स्वदेशी मूवमेंट, दूसरा हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तीसरा हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको हम नमक कानून के नाम से जानते हैं, सौर सत्याग्रह, और जो 1942 था क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आप सोचेंगे इसको हम कैसे पढ़ें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह थी और मुझे लगता था अरे बाप रे, हर एक आंदोलन में तो इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे पर्सनालिटीज हैं,
बहुत सारे दौर आए इन आंदोलन में, तो इनको कैसे रुचिपूर्वक पढ़ा जाए, तो ये एग्जैक्टली सामने रख के मैंने सोचा आपसे आज चर्चा करूं और कैसे इस पाठ को रुचिकारक बनाए, क्योंकि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं सब लोग, कई लोगों से मैं चर्चा करती हूँ तो लोग कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ फैक्ट्स, इट इज मेड अप ऑफ डेट्स, वी हैव टू यू नो मेमोराइज देम, पर ऐसा ना करके इसको हम कैसे रुचिकारक बनाए, ये सोच करके मैंने ये सेशन आपके सामने चर्चा करने के लिए मैं आई। और मैंने कहा देखो यस मैम, अरे आपने आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में काफ़ी डेट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं। जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, उन सब के योगदान के बारे में बात करना होता है। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज देर आर सो मेनी डेट्स, देर आर सो मेनी इंसिडेंट दैट दे नीड टू नो और उन्हें मेमोराइज करना होता है। एट दैट वेरी मोमेंट हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये टीच करने के बारे में हम बात करते हैं, आपने NEP 2020 की भी बात की और उसके भी ध्यान में रखते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप टीचिंग के लिहाज से इसके लिए क्या मेथड्स बताना चाहेंगे। हाँ, मैं आपको देखिए कोई एक मेथड तो होता नहीं है, हर विषय को के मेथडोलॉजी जो है हमें खुद निर्धारित करना पड़ता है और साथ साथ हमें सोचना चाहिए विच इज द बेस्ट मेथड। आपसे ज्यादा बच्चों को और कौन नहीं जानता है, आप कई विधि अपना सकते हैं जिसमें बच्चों की भागीदारी ज्यादा हो, दूसरा उनके अंदर प्रश्नोत्तरी जैसे भावना उत्पन्न हो, साथ साथ कोई भी इतिहास के बारे में हम बताते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि आज की स्थिति और तब की स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन वो कैसे करें और अपने जीवन में कैसे लाने का प्रयास करें। तो मैंने कुछ प्रयास किया और मैंने सोचा आपको बताएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चार मूवमेंट्स क्यों लिए, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक मूवमेंट की एक कोई विशेषता जिससे वो मूवमेंट उस समय जाना गया। सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने 1905, नाउ आप इस 1905 को मत नजरअंदाज कर दीजिए और आप स्वदेशी मूवमेंट यानी इस मूवमेंट को हम क्यों स्वदेशी कहते हैं। तो मैंने कहा दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेल्फ असर्शन माइंड, द क्वेश्चन ऑफ यूजिंग ऑफ इंडिजिनस गुड टू शो देयर यू नो वननेस विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, दे वांटेड टू फाइट द कॉलोनियल रिजीम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय फोकसिंग ऑन यूजिंग ऑफ इंडिजिनस गुड, national system of education, and when I say Swadeshi, I mean use of the cloth that was made in our country, use of salt that was made in our country, sugar, and boycotting all that was foreign, that was imported from outside. At the same time, it brought into its foray people from all parts of the society. They were students, they were women, they were there were peasants who joined this movement, and it created a lot of wealth of literature because many times in these movements people wrote their own emotional feeling, and this is how they brought emotional connect with the movement. And this movement, though, was protesting against the partition of Bengal, you aapne padha hoga apni kitab mein, it was basically trying to bring people together from all walks of life, and it was not just confined to Bengal, it spread itself to the United Province, it spread to Bombay Presidency, it spread to Madras Presidency, and the people agitated against this partition. Swadeshi was the clarion call, and therefore 1905, if you do not recall, recall Swadeshi. And today also, you know how we are talking about using of khadi and using of our own products. So there is a continuity, there is a change, and you know one of the focus of history teaching is maintaining a dialogue between the past and the present. This is how you will get interested in this movement, to see what the focus was and why was it called the Swadeshi
And let me tell you, Swadeshi was an undercurrent throughout the different movements of our freedom struggle, because Swadeshi brought people from all walks of life to fight for a cause that is protesting against the colonial government. Now moving on to the other movement is non-cooperation movement of 1921. Now here you can see many, in most of our books we use the word non-cooperation. Now it must be coming to your mind that first we talked about Swadeshi and now we are going to non-cooperation movement. Therefore, what was so atypical about it? Well, you know, there were several causes that led to this movement. You have read it in your books, and you know that it was the after effect of the World War I, where many of the people were recruited and from the different villages and were sent. The prices were rising, the defense expenditure was increasing, and many people were finding life very difficult. At the same time, there was the Rowlatt Act that was passed, which curbed the freedom of the people, and therefore, it was people felt that non-cooperation was the best technique of, you know, protesting against these unjust happenings that were taking place. Therefore, in this particular movement, the focus was non-cooperation, and people non-cooperated in terms of giving up their honorary title. They did not, they boycotted government offices, all the symbols of power, that which was like a protest. And therefore, it was non-cooperation with the authorities. Here also in this movement, there was the element of Swadeshi, because people wanted to show their self-assertion by using indigenously made goods, boycott of foreign cloth, picketing of shops selling liquors, and the strength of this movement was that it spread in all parts of the country. It was one that united people. Now, when we are studying such movements, it is very important that we should also use different methods of making the topic interesting. You can use a map by locating important places where these movements took place, both Swadeshi as well as non-cooperation, to compare and see the spread. Two, you can also write biographies of personalities whom you want to write, because they are inspirational, they led the people, and therefore I leave it to you to make a choice on whose biography you would like to pen your thought. At the same time, they bought into fervor patriotic songs. For example, in the 1945 Swadeshi movement, the Vande Mataram became a song that everybody was singing. And you know, in the Swadeshi movement in Andhra Pradesh was known as the Vande Mataram movement. Now, in the non-cooperation movement, you can see that while you can use a map, you can also use a flow chart to show the spread of the movement, the causes, what were the major causes that triggered the movement, and at the same time you can highlight the people's participation. In these movements, the common people also participated from different parts of the country, and at the same time there was wealth of literature that was produced. Our movements, though were protesting against the colonial rule, they also brought about a lot of literature in form of prose, in form of poetry, and they were the strength of telling how people emotionally got connected. You can also talk to your people in your family as well as your neighborhood if they have some private collections of their ancestors, telling about the engagement with these movements, or some interesting stories that you can collect, or some monuments which are located nearby, which will make you relate with these movements and see the passion of how people participate. As a student of the subject, you can also start making a project on your own. You can yourself find out
that what interests you most in these movements that you're reading, and then you start making a small diary of yourself and write down that if you're making a project, what is the theme that you would like to take, what type of material that you would like to collect, and at the same time, how would you like to display it, whether it is a chart or a model or anything that you can envision of. You can also start collecting some short questions which have appeared over last 5 years to see how your understanding about these movements are, whether you are able to put them in your own words, whether you can recall the centrality of the of participation or something which was very peculiar of these two movements that will give your understanding in depth and make you connect with these two movements. So you can see one which you can you know, recall and recollect as Swadeshi, and this was undercurrent throughout, as I said. The second was non-cooperation, and mind you, both these were the way people got involved in it continued throughout, but something was unique in them, and therefore they were named, the nomenclature is like that. So you can remember them by using some you know, your own terminology to, you know, find out what was common in them and what was atypical. Moving further is the called Satyagraha movement. Now it is also called civil disobedience movement. You must be thinking, aap soch rahe honge ki ek mein to non cooperation tha aur sab mein hi to non cooperation tha, लेकिन इसको सिविल डिसोबीडियंस क्यों कहते हैं और सॉल्व सत्याग्रह क्यों कहते हैं? मेरे मन में भी काफी सवाल आते थे, बट सी, मूविंग फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन इट गेट्स स्ट्रेंथ टू पीपल टू डिफाई लॉ, एंड इट इज द बेसिक इशू दैट ब्रॉट पीपल टुगेदर इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड सॉल्व एज यू नो वाज समथिंग वेरी बेसिक टू द लाइफ ऑफ एवरीवन, एंड देयरफॉर व्हेन द इशू वाज टेकन अप बाय महात्मा गांधी, it brought people together. We must all have read about this famous Gandhi march. आपने भी पढ़ा होगा और ये चीजें हमें कभी नहीं भूलती हैं. तो आपने देखा होगा कि this was issue based, an issue that touched everybody's every household, every segment of the society. Women also participated, and उन्होंने बहुत सारे नारे लगाए कि सॉल्ट कैसे वो लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो सॉल्ट खुद बनाए, एंड दिस वाज अ वे ऑफ डिफाइंग द लॉ एंड मेकिंग द अथॉरिटीज रियलाइज दैट दीज बेसिक्स हैव टू लॉज ऑन द बेसिक्स हैव टू बी डन द वे. सो दिस इज समथिंग विच इज यूनिक. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली दैट थ्रू दीज मूवमेंट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, one, the essence of participation, two, what made them atypical, three, that while you are you know, trying to understand it, you can adopt different ways of portraying them. At the same time, when you are adopting a participatory approach to teaching, you can adopt take up experiential learning. You can take up project methods. You can do role play, because a lot of literature can be enacted in form of drama, in form of theater. You can be a script writer. So there are varieties of ways through which these movements can become very, very engaging and interesting. Moving further is the 1942, the Quit India movement. Now you can see that from defiance of law, it was nothing but Swaraj. There were positive factors, definitely, and we all know that at this particular time there was the Second World War and how it was impacting our economy in a adverse manner, and how the leadership at this time was absolutely wanting self-rule and nothing but. The Scripps mission could not fulfill the demand of our leaders, and therefore this movement started. It's also known as the August Kranti, because it peaked in the month of August. And if you read this movement in depth, you find for yourself that it not only brought women, men, students from all walks of life,
even small children participated in this thing. And many of them, survivors of these movements, through their own stories, have tried to show how they got enthusiastic and got involved in it. They took Prabhat Pheri, Kolonga ne Prabhat Pheri, subah subah processions liye, logon mein chetna lai ki kis tarah se hame swatantrata hasil karna hai. तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे जब हम अपने आंदोलन की चर्चा करते हैं तो हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि एक इसको हम क्रिएटिवली समझें, जिससे हमें हर एक आंदोलन के बारे में, उनकी कनेक्ट के बारे में क्या था, किस तरह से उन्होंने डायग्रामेटिकली आप उसको दिखा सकते हैं, बैट के माध्यम से दिखा सकते हैं, आप जीवनी के बारे में बायोग्राफीज लिख सकते, जो आपको अच्छा लगे, जिन लीडर्स से आपको प्रेरणा मिलती है उनके बारे में आप बायोग्राफीज लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर कर सकते हैं. और कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको दिखाया, ये चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें आपने डायग्राम के माध्यम से पीपल्स पार्टिसिपेशन के बारे में दिखाया. और इसके बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप एक इस डायग्राम के माध्यम से कैसे लोगों ने हर आंदोलन में पार्टिसिपेट किया वो आप दिखा सकते हैं कि. और अगर आपको इंटरेस्ट हो फिलैटली में तो आप स्टैम्प भी कलेक्ट कर सकते हैं. और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्टैम्प जो थे ये उस समय निकले थे. और अगर आपको ये मिल सकते हैं या कहीं किसी के पास है या आपके पियर्स के पास है तो आप इस तरह की हॉबी या रुचि रख सकते हैं इन आंदोलन के बारे में जानकारी. यहाँ पर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपने हमें दिखाया स्टैम्प्स की पिक्चर्स, वो आप एक बार फिर से हमारे व्यूवर्स को दिखाएं, और थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे तो हमारे व्यूवर्स को अच्छे से दिखेगा और उन्हें पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में उनको हाँ क्या करना है. जैसे आपने कहा कि अगर वो हॉबी के तौर पर या पसंद करके ले सकते, आप देख सकते हैं, कैन यू सी. जी मैम थोड़ा पीछे कीजिए. हाँ जी, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये एक अच्छी एक हॉबी आप डेवलप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इन आंदोलनों के बारे में अच्छी जानकारी रख सकते हैं. इसी तरह आप ये स्टैम्प निकला था, कमोमरेटिव स्टैम्प निकले थे, और आप इन स्टैम्प को, ये गांधी जी के ऊपर है, ये भी आप इसको भी कलेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छा वो बना सकते हैं, एल्बम बना सकते हैं. इसी तरह आपने अगर अपने आसपास कुछ ऐसी इमारत देखी है जो हमारे इन आंदोलन से जुड़ा हुआ है या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है जो इन आंदोलन से जुड़े हैं, उनकी भी तस्वीर आप एकत्रित कर सकते हैं और एक अच्छा एल्बम बना सकते हैं जिसको टीचिंग एंड लर्निंग में आप दिखा सकते हैं. टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसा है उसको आप दिखा सकते हैं. मैथ वर्क आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में भी आता है, और आप जब क्लास में बैठते हैं तो किसी आंदोलन के विस्तार के बारे में चर्चा होती है तो आप उसको कैसे अच्छी तरह लोकेट कर सकें वो भी आप कर सकते हैं. इसके लिए आप रूलर ले सकते हैं, जैसे मैंने अपने बचपन में किया, और मैंने क्या किया, मैथ को सामने रख के उसको स्क्वेयर्स में बांटा. और स्क्वेयर्स में बांटने से क्या होगा, आपको डायरेक्शंस पता चलेगी, रिवर की भी पता चलेगी, लोकेशन की भी पता चलेगी, तो कुछ कुछ तरह से आप चीजों को लोकेट कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप कोई स्लोगन या कोई मैसेज उस वक्त आपको बहुत प्रेरित किया हो तो वो आप एकत्रित कर सकते हैं, और आप क्या आपस में शेयर कर सकते हैं. बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, जैसे कुछ हमारे पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने कई बार कई आंदोलन में अपने भाषण से लोगों को प्रेरित किया, उनकी स्पीचेस अवेलेबल है आजकल डिजिटल फॉर्म में भी, और आपको ये प्राइमरी सोर्सेज में भी मिल जाएंगे अगर आपको मिल सकते हैं आराम से, नहीं तो सेकेंडरी सोर्स में हैं. तो क्लास में जब आप इन आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं तो इन चीज़ों को भी आप ज़रूर बताइए, जिससे लोगों को प्रेरणा आएगी और ये आपको प्रोजेक्ट वर्क करने में प्रोत्साहित करेगी, क्रिएटिविटी बढ़ाएगी. एंड व्हेन यू बिकम क्रिएटिव यू बिकम एन ओन
पर्सन हु कैन एनालाइज क्रिएटिवली एवरी मूवमेंट. कई बार ऐसा होता है कि हमारी किताबों में क्या होता है, लेकिन क्योंकि समय पेजेस कम होते हैं, सारी चीजें हम नहीं लिख पाते हैं, तो आप उस जो विषय आपको उस आंदोलन का बहुत अच्छा लगा उसको आप अलग करके आप उस पे शोध करिए. रिसर्च इज समथिंग दैट कैन इवॉल्व थ्रू योर इंटरेस्ट, इट्स नॉट समथिंग दैट हैज टू बी टोल्ड. एंड फ्रॉम योर experiences and from this age onwards, if you have this kind of a passion, I am sure आप एक नया analysis या एक नया विचार आप ला सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं. और जब मैंने देखा कि जब मैंने इस विषय को पढ़ा और मुझे मौका मिला आर्काइव्स जाने के लिए, तो मुझे उस वक्त एक एग्जीबिशन लगा था प्रतिबंधित साहित्य पे. और मैंने शक जब मैं आपकी उम्र की थी तो इतना मैंने पढ़ा नहीं था, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा अरे इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है जो इस आंदोलन को और रुचिपूर्वक ढंग से हम पढ़ सकते हैं. और कुछ तो मैं आपको शेयर भी करना चाहती हूँ जो मेरे पास अभी है. आजादी के तराने और कौमी भंडार एक ऐसा मैं उस वक्त पुस्तक निकला हुआ था, और इस पुस्तक के बारे में मैं ज्यादा इस क्योंकि समय का अभाव है इसलिए नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ऐसे कई आपको साहित्य और ऐसी कई चीजें आपको मिलेंगी जो आपको बहुत ही इस इंटरेस्ट से आप पढ़ सकते हैं. इसी का गांधी जी का चरखा. अब इस पूरे इसमें जो बुक है उसमें गजल भी है, कविताएं भी हैं और शेर भी है. तो आप ये देखिए कि चरखा जो हमारे स्वदेशी का एक अहम हिस्सा था, स्वदेशी का प्रचार और प्रसार करने में, उसके बारे में लोगों ने कितना चर्चा की. और ये एक ऐसा सिंबल था जिसने सब वर्ग के लोगों को जोड़ा. और आज हम कहते हैं कि यू नो वी मस्ट प्रमोट आवर ओन इंडस्ट्रीज लाइक खादी. Right. Was it not an important concept that evolved in our freedom struggle? Yes. From a movement that was designated as Swadeshi movement and it becoming an important component of bringing people together in subsequent movements of our freedom struggle is something that we need to understand. आप चरखा का ही इतिहास बना सकते हैं, उसी के ऊपर सारे आंदोलन का समावेश करके पढ़ सकते हैं कि इसको इसकी सेंट्रलिटी कब हुई. शुरुआत एक मूवमेंट से हुआ और बाद में जाकर के ये कितना इसका स्थान अहम हो गया और हर व्यक्ति इसको चर्चा करने लगा और उससे जुड़ने की कोशिश की. इट ब्रॉट विमेन इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैनर बिकॉज वन Ma'am, here I want to tell you that we are left with only 1 minute more. So we want to summarize this session here only. So my request to all of you is because of the time constraint that please read the Freedom Struggle of India with passion. It has wealth of information. You have to dig the information. If you have the passion, you can bring out wonders. It could be through poem. It could be through your essay, it could be through your theater, it could be any form that you want to do. Every episode has a story hidden in it. You have to unravel it. And I have come here to arouse your passion that aap kar sakte hain. Aapke andar itni shamta hai aur jitne bhi hamare listeners hain, agar wo dusre bhasha ke hain, to unko रीजनल लिटरेचर पे इस किसी भी आंदोलन को ले लीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो हमारी स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा है, इतिहास अपने में ही है, जिस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी, नयापन आता रहेगा. इसको परिभाषित आप कर सकते हैं अपने अनुभव और अपने पैशन से. जी, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन विशिंग यू very happy Dashera. I have come to you to once again motivate you to please prepare projects and study this whole episode with interest.
थैंक यू सो मच मैम, और हम आपके पास भी दोबारा आएंगे आपसे काफ़ी कुछ जानने सीखने के लिए। और जैसे मैम ने कहा कि आप काफ़ी कुछ ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स टीचर्स एजुकेटर्स आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, और हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अपने आप में अनोखा है, वो सब आपको जानने की ज़रूरत है। और हम इस सेशन का यहीं पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन अपनी एक्सपर्ट प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच मैम। और डियर व्यूवर्स, आप बने रहिए पीएम ई विद्या चैनल्स के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। अभी मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।